तो गाइज़ मैंने कल ही दराज से एक इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल जो था ऑर्डर किया था अपने डाइट का जो वेट करने के लिए, तो उसका मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो आज मेरे पास, मैं अपने किचन में हूँ तो वेट करने वाला हूँ योगर्ट का, दही का, या आप कर्ड कह सकते हैं, कर्ड का जिसे उर्दू में दही कहते हैं, तो मैं उसका वेट करके आपको इस मशीन का दिखाऊंगा रिव्यू कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो लेट्स डू दिस। सो गाइज़, ये हमारी मशीन है, हमारे पास वेट मशीन, वेट स्केल। तो सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं। ये इसका ऑन का बटन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा हमारा यूनिट, कि हमें ग्राम्स में इस यूनिट में वेट करना है या इस यूनिट में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं। मोड पे क्लिक करेंगे तो ये एरो जो है ये नीचे आ गया है, लेकिन हमें इस वक्त ग्राम्स में चाहिए तो हम इसको ग्राम में रहने देते हैं। उसके बाद हमें अपना कोई कंटेनर इसके ऊपर रख लेना है इस तरह। अब देखें, लेट्स सपोज कि आपको इस कंटेनर में कोई चीज़ डालनी है और इसका आपने वेट करना है, तो ये कंटेनर का भी वेट आपको बता रहा है। तो आपने यहाँ पे इस बटन पे टेयर पर क्लिक करना है, तो ये इसका वेट 0 पर चला जाएगा। और इसके बाद आप इस कंटेनर में जो चीज़ ऐड करेंगे उसका वेट जो है वो काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो हम अपनी जो अपना जो कर्ड है, जो अपना दही है, वो इसमें डाल लेते हैं और देखते हैं क्या वेट आता है। बस मुझे यहाँ पे जो है वो योगर्ट चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 100 ग्राम्स। तो मैं 100 ग्राम्स के हिसाब से अपना योगर्ट ऐड कर लेता हूँ इसमें। तो ये मेरे पास 71 ग्राम हो गया है। और तो गाइज़ ये 107 ग्राम योगर्ट है, थोड़ा 7 ग्राम, 10, हाँ जी 107 ग्राम हो गया है। तो ठीक है, 100 ग्राम के करीब ही है, तो अब इसमें से कुछ कम नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही कंज्यूम कर लेंगे। तो ये गाइस सा रिव्यू इस मशीन का, काफ़ी अच्छी मशीन है, कोई मुझे अभी तक इसमें एरर देखने को नहीं आया। अगर आप अपनी डाइट को कैलकुलेट कर कर खाना चाहते हैं या पसंद करते हैं, तो आप ये छोटी सी मशीन ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी मशीन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।